को गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हद हो गई, ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है, उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से जेल के अंदर, शकुंतला बहन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे हैं कि अब इनकी हद हो गई है, सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी।